Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस। कुछ नहीं होगा, डरिए मत। आप मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं, पाठ कर रही हूँ ना। ये आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, चल चले। हनुमान जी, फ्लाइट टेक ऑफ हो गई। आप कितनी क्यूट है भाभी। हूँ ना, थैंक यू। सर आप? मुझे पानी चाहिए था, बहुत जोरों की प्यास लगी है। ओके सर, आप अपनी सीट पे बैठ जाइए, मैं आपको पानी लेके आती हूँ। मुझे खाना चाहिए, अभी चाहिए। सर लेकिन अभी खाना नहीं मिल सकता। देखिए मुझे पानी चाहिए और वो आप दे सकती हैं। देखो सिस्टर, प्यास लगी, बस पानी दे दो। सर प्लीज आप अपनी सीट पे जाके बैठ जाइए, मैं आपको पानी लाके देती हूँ। लेकिन जब इसे अभी पानी मिल सकता है तो मुझे खाना अभी क्यों नहीं मिल सकता? सर मैं आपको खाना दे सकती हूँ, लेकिन सर क्या किया आपने ये? ओ, तो तुम चाहती हो कि मैं इसे साफ करूं? ठीक है, ये तरीका है पैसेंजर से बात करने का? आपकी एयरलाइंस की सुविधा बिल्कुल खराब है। सो सॉरी सर, मैं क्लीनर को बुलवा के क्लीन करवा देती हूँ। जाइए जल्दी जाइए। हम लोग टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट। तुम्हारा प्लेन हाईजेक हो चुका है, समझी? तू और तेरे सारे यात्री हमारे कब्जे में हैं। कोई होशियारी की ना तो एक एक को मार के फेंकता रहूंगा। तुम्हारा प्लेन हाईजेक हो चुका है, समझी? अंकल, अंकल क्या हुआ? नहीं बेटा कुछ नहीं, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि आप इतनी जोर जोर से पैर हिला रहे हो। नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं बेटा। भाभी मैं वॉशरूम से आती। जी। टाइम बहुत कम है, बस अब हम जल्दी से न्यूजीलैंड लैंड कर जाए वरना बहुत बुरा होगा। दी, मैं आती हूँ। हेलो। हाय, आप हमेशा अकेले ही ट्रैवल करते हो? यस, अकेले ट्रैवल करती हूँ। मामा पापा कभी साथ में नहीं आते? नहीं। अरे वाह, आप अकेले ट्रैवल करते हो, इतने कॉन्फिडेंट हो, इतने स्ट्रॉन्ग हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। क्या कर रही हो सृष्टि, कुछ भी बोलने से पहले सोचा करो। बुआ दादी, आपका बॉयफ्रेंड कौन है? सुन लिया, देखा तुमने, काव्या पास में बैठी है, कुछ भी बोलती रहती हो, क्या सोचती होगी मेरे बारे में? सृष्टि प्लीज बोलने से पहले सोच लिया करो। क्यों ना? सॉरी। एक्चुअली मेरी मिनी भी आप ही की तरह थी। जब मैं इसका बॉयफ्रेंड था और इससे कोई पूछता था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, तो ये भी ऐसे ही झूठ बोल देती थी।
मतलब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वगैरह वगैरह। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, फोन ही नहीं लग रहा है। आदि, ये लास्ट बैंक है जिनसे मुझे बात करनी है। अगर इस बैंक ने भी ना ऋषभ को लोन देने से मना कर दिया तो वो पक्का रास्ते पे आ जाएगा। लगता है दरवाजे पे कोई है, मैं देख। दादी एक सेकेंड, आप बैठिए, मैं देखती हूँ। नमस्ते दादी जी। नमस्ते। ठीक है। लगता आपको हमें यहाँ पे देख के अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसा नहीं है, बस वो मूड थोड़ा सा खराब है। मूड खराब है? हम लोग आ गए ना तो आपका मूड अच्छा हो जाएगा। आप लोगों से मिलने का बहुत मन कर रहा था तो हम लोग ऐसे ही चले आए, वरना आपको डिस्टर्ब करने का कोई इरादा नहीं था। क्यों भैया? इससे पहले कि आप ये पूछें कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं और किससे मिलने आए हैं, मैं खुद बता देता हूँ। अर्जुन से। अर्जुन, आप मिल नहीं सकते उससे। क्यों? वो बाहर गया है। वो बाहर गया और उसे आने में देर होगी। फिर कोई मीटिंग है? नहीं नहीं, मैं फ्री। हम लोग फ्री हैं, आराम से बैठ के वेट करते हैं ना। आइए। ऋषभ देखो, आप लोग इसीलिए भी वेट नहीं कर सकते क्योंकि वो बाहर गया है और हमें नहीं पता कितना टाइम लगेगा, और तुम लोगों के पास भी तो काम होगा ना। कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम ही टाइम है। हम सारे काम खत्म करके आए, कोई टेंशन नहीं है। वो जब तक आ नहीं जाता हम लोग आराम से यहाँ बैठे, कोई टेंशन नहीं है। प्लीज आप लोग यहाँ से जाओ और कल मिल लेना अर्जुन से। कल मिल लेना? क्यों? अब तुम्हारा सच सामने आ रहा है इसलिए कल मिल लेना? हाँ, बुलेट्स कहीं नहीं मिल रही। अबे निकम्मे, एक काम का भी नहीं है, खाली खाने पर ध्यान देता है। संभाल इसे, मैं ढूंढता हूँ बुलेट। चल। ये चुप कर। देखो, तुम्हारा जो भी प्लान है वो गलत है, मत करो ये सब। अरे चुप। अगर तू चुप रहेगी ना तो तेरे और मेरे दोनों के लिए ज्यादा अच्छा होगा। अपनी जबान खोली ना तो तेरा गला काट दूंगा, समझी? तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है गलत है। अरे चुप। क्या चल रहा मेरे दिमाग में? मेरे दिमाग में क्या चल रहा तू बता, मेरे दिमाग में क्या चल रहा बता बता बता। मत करो ये सब, प्लीज। चुप, वरना तेरे हलक में ये चाकू उतार दूंगा और हमेशा के लिए तेरी आवाज बंद कर दूंगा, समझी? चुप कर। मैडम से ज्यादा सवाल जवाब मत कर, काम पे ध्यान दे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।